अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं अयूब पार्क इस्लामाबाद घूमने, और आज अनाबिया नहीं जा रही है साथ और ना मेरी सिस्टर जा रही है, क्योंकि अनाबिया स्कूल गई हुई है, तो हम लोग अकेले जा रहे हैं। और आप लोगों ने अगर दो ब्लॉग बनाया था कल, एक फैसल मस्जिद का और एक म्यूज़ियम का, जिसमें अभी फैसल मस्जिद का ब्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख लें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें उस पर। और दूसरा म्यूज़ियम का है वो अभी रखा हुआ, वो इंशाल्लाह बाद में अपलोड करूँगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। रेडी हो चुके हैं, हम निकलने पापा साथ जा रहे हैं और अयूब पार्क जा रहे हैं। अयूब नेशनल पार्क जा रहे हैं। वकार भाई सब चीज़ बता रहे हैं, लोकेशन से जाएंगे घूमने। मैं अकेले राइड कर रहा हूँ बाइक और पापा वो सामने बैठे हुए हैं वकार भाई के साथ, क्योंकि वो हमें छोड़ेंगे। आईफोन में लोकेशन नहीं आ रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा वापस ही आना, मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो अभी हम लोग निकले। अयूब नेशनल पार्क के अंदर आ चुके हम लोग, और ये काफ़ी बड़ा पार्क है इस्लामाबाद का। अभी जा रहे हैं अंदर घूमने। बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है ना, कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग एक बज रहा है तो हम लोग आए। और आज ठंड भी थोड़ी कम है, बट शाम में तो वैसे ही ठंड हो जाता है, इसी वजह से जैकेट वगैरह पहन कर आए और सामान ले कर आए पहनने के लिए। ये आई थिंक फुटबॉल खेलने की जगह, काफी अच्छा बना हुआ है। और ये सामने कोटा होटल वगैरह कुछ रेस्टोरेंट टाइप है। लग रहा है जंगल है, काफी ज्यादा गहरा है। अगर कोई अंदर गया तो वापसी नहीं आ सकता, पानी नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा गहराई है, पता नहीं किस चीज़ की है, ये काफ़ी लंबा आ रहा है ना वहाँ से। मैं पहले भी वीडियो बनाते वक्त देखिए यहाँ पे भी बना रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, पता नहीं अंदर क्या चीज़ है। आई थिंक ना ये बारिश की वजह से गिर गया होगा, तभी ये इतना नीचे, और नीचे पानी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है ना, इस वजह से शायद ये नीचे गिर चुके हैं। ये जू है सामने, जू के अंदर जाना है, पार्क में घूमना है, तो हम लोग बच्चे तो हैं नहीं कि जू में जाएं और एंजॉय करें। वो सामने जू जो दिख रहा है उसका नाम है जंगल वर्ल्ड जू, उसमें पता नहीं कौन सा जंगल है, उसका है जंगल वर्ल्ड जू। अभी एंट्री नहीं है उसमें, आई थिंक शाम में होते एंट्री, तो इतने देर तो हम लोग रुकेंगे नहीं, मैं आया सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए कि ब्लॉग बना लूँ, अंदर तो जाना नहीं है क्योंकि शाम में नहीं खुलता, अब पता टाइमिंग भी नहीं पता है कि कब खुले कब नहीं खुले, इस वजह से बाहर ही बाहर। पता नहीं ये कौन सा म्यूजियम है, अभी पापा गए टिकट लेने म्यूजियम का, तो इसके अंदर जाके देखते हैं कि कौन सा म्यूजियम है ये। इसमें तो सिर्फ ऊपर ये लिखा हुआ
ख्वाहिश पूरी करते अपने आप। इसको चलाते कैसे? अगर कोई पायलट देख रहा मुझे बताए, मैं फिर इसको चलाऊंगा आके। बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग उधर पार्क से आ चुके हैं। अब मनाने के स्कूल की छुट्टी होने वाली है, जा रहे हैं आए हैं आराम के लिए स्कूल खोलने के लिए। मनाने को स्कूल से लेकर आ चुका था, अब उसको बैठाने के लिए ये रखी हुई है, उसको सिलेबस याद करवाना है। आपको बोले ना कुछ भी पढ़ने के लिए, आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया, ठीक है? ये पढ़ो। जैसे मैंने बताया कोई भी वर्ड्स आपको पढ़ना, आप ऐसे ही करके पढ़ो, ठीक है? चलो वो पढ़ो। अनाविया की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैक्सिमम इसको मैं 2 घंटे से लेकर 7 बजे बैठ जाता हूँ। पढ़ती काफ़ी अच्छा है लेकिन आज टेस्ट वगैरह ज़्यादा था इसलिए इसको इतना टाइम लग गया। फर्स्ट बार पढ़ाया, काफ़ी डर डर के पढ़ रही थी। मैंने सिस्टर ने कहा कि ये आधे घंटे भी बैठ कर नहीं पढ़ती है और आज ये 2.25 घंटे बैठ कर मैंने सब पढ़ी है। अनाभी और मैं भी चीज़ लेने के लिए निकले बाहर और इधर तो ठंड हो गई, इस वजह से बाहर आने से पहले मैं जैकेट पहन लिया था। अभी जा रहे हम लोग चीज़ लेने, जल्दी लो ना, जल्दी ये ले, पापड़ ले लो, ये चिलीज ले लो, ये चिटोज लेना है। अच्छा, खाना खा के फारिग हो चुका हूँ, तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन मरी जाऊँगा, मरी और भी काफ़ी जगह जाना है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।